और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं सीधा रुख। ये हम सब के लिए बड़े गौरव की क्षण है, क्योंकि 38 साल के कम काल अवधि के अंदर ही भारतीय जनता पार्टी देश की राजनीति का केंद्र बिंदु आज बनी। भारतीय जनता पार्टी कोई वंश परंपरागत चलने वाली पार्टी नहीं है, घरानेशाही वाली पार्टी नहीं है, बूथ से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक लोकतांत्रिक तरीके से चलने वाली, संगठन और विचारधारा के आधार पर चलने वाली पार्टी। वैसे देखें तो जनसंघ के आज तक की हमारी यात्रा बड़ी कठिन, संघर्षपूर्ण और बलिदानों से भरी यात्रा रही। आजादी के बाद सभी राजनीतिक दलों में अगर किसी एक राजनीतिक पार्टी के सबसे ज्यादा कार्यकर्ता मारे गए होंगे तो वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मारे गए। मैं आज वो सभी हुतात्माओं को, हमारे शहीद कार्यकर्ताओं को, श्यामा प्रसाद जी से लेकर अभी दो दिन पहले बंगाल में जो हमारा कार्यकर्ता मारा गया, वो सभी कार्यकर्ताओं को पार्टी की ओर से हृदय से विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं। भारतीय जनता पार्टी की यात्रा में जनसंघ का काल हमारा संघर्ष का काल रहा। एक जमाना ऐसा आया था कि हमारे पास सिर्फ दो सदस्य थे और वो स्थिति में भी हमारी पार्टी में कभी भगदड़ नहीं मची, पार्टी कभी टूटी नहीं, हम साथ में ही आगे बढ़े और आज इस मकाम पर पहुंचे। दो सदस्य लोकसभा में जिस पार्टी के थे, आज 330 सांसद हैं। केंद्र में श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, एनडीए की सरकार चल रही है। 1600 से ज्यादा एमएलए हैं। 20 राज्य सरकारों के अंदर भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं या भारतीय जनता पार्टी हिस्सेदार है और 10 सदस्यों से शुरू हुई ये भारतीय जनता पार्टी आज 11 करोड़ से ज्यादा सदस्यों के साथ विश्व की सबसे बड़ा राजनीतिक दल बनकर उभरा है। मैं मानता हूं कि हमारे जो सिद्धांत है, हमारी विचारधारा है, इसको जनता ने स्वीकारा। कई राज्यों में हमारी 20 साल से ज्यादा समय से सरकारें चल रही हैं, 20 साल 22 साल, और वहां पर हमने जो सुशासन का एग्जाम्पल सेट किया है, पारदर्शी सरकारों का एग्जाम्पल सेट किया है, इसके कारण चुनावी राजनीति में भी हमारी सफलता बढ़ी है। मित्रों, आज देश को तोड़ने वाली गतिविधियां, देश को तोड़ने वाले बयान, वर्ग वर्ग के बीच में टूटन हो, इस प्रकार के प्रयास, उसके बीच में मोदी सरकार देश के गौरव को प्रस्थापित करने के लिए अहर्निश काम करी। नरेंद्र मोदी सरकार प्रामाणिक सरकार कैसी होती है इसका उदाहरण है, पारदर्शी सरकार कैसी होती है उसका उदाहरण है, निर्णायक सरकार कैसी होती है उसका उदाहरण है, संवेदनशील सरकार कैसी होती है इसका उदाहरण है, देशभक्त सरकार कैसी होती है उसका उदाहरण है, और देश का गौरव बढ़ाने वाली सरकार कैसी होती है इसका उदाहरण है। नरेंद्र मोदी सरकार ने देश की आजादी के बाद की राजनीति की सरकारों के इतिहास को और दिशाओं को बदलने का काम किया है। नरेंद्र मोदी सरकार गरीब लक्षी सरकार रही, ग्रामीण विकास को समर्पित सरकार रही और किसानों के हितों को समर्पित सरकार रही। मैं सिर्फ दो फैसलों को ही बात करना चाहता हूं। ये दो फैसले, एक गरीब से गरीब व्यक्ति को 5 लाख तक का हेल्थ इंश्योरेंस देने का फैसला और देश के हर किसान को रबी और खरीफ दोनों फसलों को अपने खर्च से 1.5 गुना समर्थन मूल्य देने का फैसला, ये दोनों फैसले भारतीय जनता पार्टी की सरकार की दिशा बताने वाले। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी ने आने वाले दिनों में
कई कार्यक्रम तय किए। एक तो 11 अप्रैल को हम महात्मा ज्योतिबा फुले के जन्मदिन को पूरे देश भर में मनाएंगे और देश को बांटने वाली, तोड़ने वाली जो शक्तियां हैं उसके सामने एक लोकतांत्रिक तरीके से सकारात्मक संदेश देने का प्रयास करेंगे। 14 अप्रैल को बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती को भी हम धूमधाम से मनाएंगे और बाबा साहेब की जयंती को मना करने के लिए हमने कई कार्यक्रम तय किए।